हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिकल हैंड। मैं हूँ रीना और आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूजफुल ट्रैवल बैग। ये ट्रैवल बैग मैंने वेस्ट फैब्रिक में से बनाया है। आपके पास जो भी वेस्ट फैब्रिक है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने पॉकेट अरेंज किए हैं दोनों साइड। जो पैंट में पॉकेट रहते हैं जीन्स के, उसको हमने यहाँ पे सेट किया है। और यहाँ पे भी एक पॉकेट बनाया है जिसमें हम इजीली अपना मनी पैक या फिर हमारा मोबाइल रख सकते हैं। देखिए, बड़ा पॉकेट है, आराम से इसमें हम डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये पीछे का पार्ट और यहाँ पे मेन हमारा एक बड़ा सा हमने जिप बनाया है जिसमें बहुत सा सामान हम इजीली रख सकते हैं। ये ट्रैवलिंग बैग बनाने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और ये वेस्ट में से बनता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये हमें कैसे बनाना है। हमें कोई भी फैब्रिक लेना है तो मेरे पास ये ओल्ड पैंट है जिसका मैं यूज कर रही हूँ। पहले तो मैं ये पैंट को उल्टा कर लूंगी। ये पैंट को मैंने उल्टा कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ मोरी है उस साइड, यहाँ पे ये साइड से कट करना है। ये पूरा लास्ट तक मैं कट कर दूंगी। इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ से हमें 16 इंचेस, मैंने 17 इंचेस रखा है। जो ये एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। ये जो फोल्ड किया हुआ है वो हम कट कर देंगे। ये चारों ओर से एक्स्ट्रा जो ये डबल स्टिच है वो सब निकाल के, क्रॉस निकाल के मैंने 17x15 इंचेस का इसके ऊपर मार्क कर लिया है। उसे अब हम कट कर देंगे। अब मैं यहाँ ऊपर से 4 इंचेस पे मार्क कर लूंगी। ये यहाँ से 4 इंचेस है, ये मैंने 4 इंचेस पे मार्क किया है, वहां से मैं कट कर दूंगी। इसी के नाप से हमें जिप लेनी है और उसके लिए मैंने 2 रनर लिए हैं। और एक पॉकेट पर बनाऊंगी नीचे, तो उसके लिए एक जिप और मैंने 1 रनर लिया। और ये जिप मैंने 9 इंचेस की ली है। इसका नाप लेना है हमें, इसकी जो लेंथ है वो लेना है और यहाँ से 8 इंचेस नीचे रखेंगे हम। अब ये पैंट का पीछे का हिस्सा है और ये आगे का, तो यहाँ पीछे से हमें 11x8 इंचेस का ये पॉकेट के पास से एक पार्ट कट कर लेना है। ये यहाँ से एक किया है मैंने और सेकंड साइड से ये सेकंड किया है, तो ऐसे हमें 2 पार्ट कट कर लेने हैं 11x8 इंचेस के। अब ये जो पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, ये बॉर्डर पूरा उसी तरह से सेकंड साइड से भी हमारा बचा हुआ बॉर्डर है, ये रहा। तो ये दोनों को हमें जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे इसे, यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। ये 2 पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है हमने, यहाँ पे स्टिच कर दी है। अब यहाँ पे ऊपर से हमें 17x8 इंचेस का एक पार्ट कट कर लेना है।
ये मैंने मार्क कर लिया है 17x8 इंचेस का। 9x9 इंचेस का एक और पार्ट हम कट कर लेंगे जो हमारे एक जिप है उसके नाप से। तो अब टोटल कटिंग हमारी रेडी है 17x4 इंचेस के, ऐसे हमें दो पार्ट्स लेने हैं और 17x11 इंचेस के हम दो पार्ट्स लेंगे और 11x8 इंचेस के भी हमें दो पार्ट्स लेने हैं और 17x8 इंचेस का हमें एक पार्ट्स कट करना है और 9x9 इंचेस का एक पार्ट्स। और इस तरह के मैंने बेल्ट लिए, ये मार्केट में रेडी भी मिलते हैं, मैंने पुराने बैग में से निकाल लिए हैं, इसे कट कर लिया है, पुराने बैग में से आप ले सकते हैं। ये मैंने 25 इंचेस का ऐसा एक, मतलब कि टोटल दो ईयर्स से बेल्ट लिए हैं और ये जो कोई बचा हुआ फैब्रिक है आपका पैंट में से, उसे फोल्ड करके भी आप हैंगर बना सकते हैं। 2x2 इंचेस के ऐसे मैंने स्क्वायर में दो पीस कट कर लिए हैं। अब हम 17x11 इंचेस का पार्ट्स लेंगे, उसके ऊपर हमें ये हैंगर अटैच करना है, ये जो बेल्ट है उसे, ये मैंने टू पीस कट किए थे तो उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से स्टिच कर देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। हैंगर लग गए, अब हम लेंगे 17x4 इंचेस के हमारे दो पार्ट्स, उसके बीच में हमें जिप अटैच करनी है। तो ये जिप लूंगी मैं 17 इंचेस की, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच करेंगे, बाद में हमें प्रेस स्टिच करनी है। ये हमने दो रनर आमने सामने डाल दिए हैं। अब ये जो हमारे पार्ट्स है उसे हम लेंगे और ये जो जिप वाला पार्ट्स है उसके साथ हमें ये जो हैंगर जिस साइड हमने लगाया है ये पार्ट्स हमें अटैच करना है। यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। हो गया, अब यहाँ पे हमें इसे सीधा करेंगे और ये जो सेकंड पार्ट है उसे भी हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमें ये जिप लगानी है। मैंने यहाँ पे ओपन रखा है और यहाँ से पहले मैंने रनर डाल दिया ये पीछे से और अब हमें ये पैक कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर हमें प्रेस स्टिच करनी है, ये जो खुला है वो यहाँ ऊपर हम स्टिच कर लेंगे।
ये 9x9 inches का पार्ट हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है, तो ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब हमें लेना है 11x8 inches का पार्ट्स, जिसे हमें ये जो सेंटर में हमने जिप अटैच की है वहाँ पे से आप इसे डबल करके यहाँ पे मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ये जिप के सेंटर में लगाना है, यहाँ पे ये हम अटैच करेंगे और फिर ये आएगा यहाँ पे और ये साइड का पार्ट्स आएगा यहाँ पे। इस तरह से ये हमें स्टिच करनी है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये हमारा सेंटर यहीं पे आना चाहिए। ये हमने यहाँ से स्टार्ट करके अटैच कर दिया। इसी तरह से हमें यहाँ पे अब सेकंड पार्ट्स को अटैच कर लेना है और इसमें हमें ख्याल रखना है कि ये जो हमने यहाँ पे पॉकेट रखे हैं तो वो ऊपर की साइड आए। ये हम इस तरह से अटैच करेंगे, तो ये दोनों साइड हमने ये पार्ट्स अटैच कर लिए, तो ये हमारा बॉक्स रेडी है। अब हमें लेना है 17x8 inches का पार्ट्स, इसे हमें नीचे लगाना है। देखिए ये हमारा पार्ट इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हम इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में इसे हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे। ये हमने पूरे राउंड में स्टिच करके इसे अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप डबल स्टिच भी कर सकते हैं ताकि ये एकदम मजबूत हो जाए। मैंने यहाँ पे और यहाँ पे डबल स्टिच कर दी है। ये देखिए हमारा बॉक्स रेडी है, इसे अब हम ओपन करेंगे और इसे हमें सीधा कर लेना है। तो ये हमारा बैग एकदम रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पे हमने पीछे की साइड एक पॉकेट रखा है, ये हमारा आगे का पार्ट्स आएगा और ये यहाँ पे हमने पॉकेट बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।